अहम फोन उठाओ। हे कृष्ण भगवान, ये अहम फोन ही नहीं उठा रहा है। गोपी भी पता नहीं कहाँ चली गई है। अब हम करें भी तो क्या करें? कोकिला गोपी भी अपना फोन घर पर भूल कर गई है। अब हम उन्हें कैसे कॉन्टैक्ट करें? बस बहुत हो गया, अब मैं एक क्षण भी बर्बाद नहीं करूंगी। मैं स्वयं अहम दिख रहा और गोपी वो को ढूंढने जा रही हूँ। मोटा भाभी नहीं कोकिला, बस कोकिला सुनो मेरी बात, सुनो। देखो तुम अकेली का गोपी वो बाजी अहम जी कहीं नहीं मिली। मैंने बहुत ढूंढा, कहीं भी नहीं मिले। ये तो अच्छा हुआ कि मैं समय पर पहुंच गया, इनका एक्सीडेंट ही हो जाता। कृष्ण भगवान, एक्सीडेंट? एक तो अहम बिना पता है कहीं चला गया, ऊपर से यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो अब मैं तुम्हें अकेले कहीं नहीं जाने दूंगी, समझी? चोट लगी है, खून बह रहा है। भगवान, अब तो सबकी नजर जाएगी इस चिट्ठी। चले गए भगवान, ये क्या हाल हो गया मेरी बच्ची का? कितनी जोर की चोट लगी है इसे। अरे जाओ कोई दवा लेके आओ इसके लिए। माँ मामूली सी चोट है। बहुत ज्यादा लगी है तुझे, दिख रहा? मैं एंटीसेप्टिक क्रीम लेकर आता हूँ। हाँ, वो गोपी के कमरे में रखा है, मैंने कल उसके कमरे में देखा था। एक काम कीजिए, आप यहीं पे रुकिए, मैं जाकर लेकर आती हूँ। लगेगी क्या करूं, यहां तो कहीं दिख नहीं रही। खैर छोड़ो, मीठी बहन है ना, उससे कह दूंगी। मुझे अहम जी को ढूंढने के लिए जाना ही होगा। बस तुम्हें चोट पहुंची है, तुम कहीं नहीं जाओगी। बैठो बैठ। मधु बहन, बस बहुत हुआ, कम से कम आप धैर्य से काम लीजिए। मुझे पूर्ण विश्वास है अहम अवश्य जल्दी घर लौट आएगा। मिठी बहन, आप जल्दी से रुई लेकर आइए। मुझे पता था इस दूध दही का ध्यान चिट्ठी की ओर जाएगा ही नहीं। ये लोगों की ना बहुत हुआ, जिगर पुलिस स्टेशन फोन लगाओ। जी पुलिस स्टेशन से फोन। हेलो जी, जी इंस्पेक्टर साहब कहिए, मैं जिगर बोल रहा हूँ। Thank you.
पुलिस स्टेशन से फोन क्यों आया था? क्या कहा पुलिस से? देवर जी क्या बात है, बोलिए ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाई का एक्सीडेंट हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने हमें वहां बुलाया है भाभी। पर क्यों? जिगर, क्यों बुलाया है? उन्हें वहां पर एक लाश मिली है। ठाकुर जी, मेरा अहम, मेरे अहम को क्या हो गया? वाह प्रभु, न्याय भले देर से हुआ, आखिरकार मेरी राधा की हत्या करने की सजा मिली तो इस मोदी परिवार को। गोपिका, बेटा तो चुप क्यों हो गई? गोपी कुछ तो बोल। गोपी, कोकिला, नहीं नहीं, मुंडा भाभी मेरी, एम एम को छोड़कर कैसे जा सकता है? कोकिला, भगवान के लिए संभालो अपने आप को। अगर तुम ही ऐसे टूट जाओगे तो हम सबको कौन संभालेगा? कोकिला, भाभी भाभी मेरी तरफ देखी, भाभी आप इस तरह से चुप क्यों हैं? कोकिला, देखो कोकिला, मेरी तरफ देखो। अगर अगर वो लाश एम की है तो नहीं काके जी। वो एम जी की लाश नहीं है। सुना आप लोगों ने? अहम जी को कुछ नहीं हुआ है, वो जिंदा है। वो सिर्फ गुस्से में है, हमसे नाराज होकर वो बाहर चले गए हैं। और थोड़ी देर में वो घर वापस आते ही होंगे। सुना ना आप सबने, मुझे भरोसा है कि अहम जी को कुछ नहीं हुआ है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं जिंदा हूं, उनकी गोपी जिंदा है, और यही इस बात का प्रमाण है। पापा जी आप जानते हैं ना अपने अहम जी और गोपी बहू को? जानते हैं ना आप? तो फिर आप खुद बताइए, आपको लगता है कि अगर अहम जी की आंखें बंद हो गई हो तो मेरी आंखों में अब तक ये रोशनी हो सकती है? नहीं ना? हाँ, आप बोलिए किंजल बहन, जवाब दीजिए मुझे, दीजिए ना।
देखिए, आप ही रोना बंद कीजिए पहले। एमजी को कुछ नहीं हुआ है। माँ जी आप ही बताइए, अगर इस वक्त एमजी की सांसें रुक गई होती तो क्या आपको लगता है आपकी गोपी बहू की सांसें चलती इस वक्त? हमारा एम नहीं था। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं कहते हैं। एमजी को कुछ नहीं हुआ है। माँ जी आप बोले, क्या आपको लगता है अगर एमजी की धड़कने रुक गई होती तो क्या मेरे मेरी धड़कने इस तरह से चलती? गोपी दिखरा संभाल अम्मा। माँ आप बोलिए, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्यों नहीं? क्यों नहीं? देखिए ना आप सब लोग, मैं जिंदा हूँ, इससे बड़ा प्रमाण आप लोगों को क्या चाहिए कि एहन जी को भी कुछ नहीं हुआ है। मैं और एहन जी घड़ी के वो दो सुइयों जैसी, जिसकी जिसकी अगर एक सुई अगर रुक जाए तो दूसरी अपने आप रुक जाती है। आप लोग ये मातम बनाना बंद कीजिए। कैसे समझाऊं आप लोगों को मैं? कब से कह रही हूं आप लोगों को चुप हो जाइए, रोना बंद कीजिए, पर किसी को मेरी बात समझ में नहीं आ रही। सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? ठीक है, आप लोगों को जो करना है कीजिए, जो समझना है समझिए। कुछ तो बोलो कोकिला, भगवान की कोकिला, देख देख अपनी गोपी बहू की हालत, अब एक तू ही है जो उसे संभाल सकती है। कोकिला, इस वक्त गोपी बहू को तुम्हारी जरूरत है। कोकिला जाओ गोपी के पास। कोकिला, वासुदेव सूतम देवम कंसा चनुर्मर्दनम देवकी परमानंदनम कृष्णम वंदे जगद्गुरु, कृष्णम वंदे जगद्गुरु, कृष्णम वंदे जगद्गुरु। मैं अच्छी तरह से जानती कि मेरे अहम जी को कुछ नहीं हुआ, वो सही सलामत है। और ये मेरा पागलपन नहीं है कान्हा जी, बल्कि ये मेरा आप पर अटूट विश्वास है। इसीलिए मैंने ये जोत जलाई और अब ये जोत जलता रहे, इसकी जिम्मेदारी आपकी है। से पूछने मत दीजिएगा जब तक हम जिस घर पे लौट कर नहीं आ नहीं आते। साथ आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।